Hello, friends, welcome to Sanat Easy Mind Tutorials. So, friends, in this video, I will be talking about ICCR work culture and its general overview. It will be important for all the candidates who have applied for the various posts in ICCR. So, if you are going to work there, then you should obviously know about the work culture and all its promotions and what the organization does. So, in this video, I want to tell you that I will be explaining. The things in bilingual, that is both in Hindi and English. So, the English subscribers can easily understand by reading here. And also, I will provide this PDF in the Telegram group. Also, I will share you some of the sources from where you can get an overview if you want in more detail about ICCR. First of all, you can see here the Indian Council for Cultural Relations, ICCR. It was actually founded in 1950 by Maulana Abul Kalam Ajad. हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया ओके दिस इज द बेसिक थिंग दैट यू मस्ट नो बाई चांस इफ दे आस्क यू समिंग इन डी वी एटलीस्ट यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स तो आपको ये बेसिक चीजें तो जानकारी होनी चाहिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है वॉट आर द ऑब्जेक्टिवस एक्चुअली इट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज प्रोग्राम्स पर्टेनिंग टू इंडियाज एक्सटर्नल कल्चरल रिलेशन टू फोस्टर एंड स्ट्रेंदन कल्चरल रिलेशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज टू प्रमोट वाट कल्चरल एक्सचेंजेस विद अदर कंट्रीज एंड पीपल एंड टू डेवलप रिलेशन विद नेशंस सो इफ यू आर ज्वाइनिंग इन आई सी सी आर इन एनी ऑफ द पोस्ट इट मे बी एल डी सी इट मे बी असिस्टेंट इट मे बी प्रोग्राम ऑफिसर और असिस्टेंट प्रोग्राम ऑफिसर और द स्टेनोग्राफर ओके सम हाउ यू नीड टू बी इन्वॉल्व इन दीज एक्टिविटीज तो इनमें से कोई भी किसी भी एक काम में आपको जरूर हाथ बटाना होगा तो आप लोगों को ये जान लेना चाहिए कि क्या करना है आईसीसीआर में जाकर ओके okay? तो ये देखिए लिखा हुआ है स्ट्रेंथनिंग कल्चरल रिलेशन एंड प्रोमोटिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दिस इज द बेसिक मोटिव ऑफ आई सी सो देन क्वेश्चन कम्स इज इट अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन येस डेफिनेटली इट इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओके एंड इट इज इन्वॉल्व इन इंडिया एक्सटर्नल कल्चरल रिलेशन इट वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सो एवरी वन आई

साउथ ईस्ट देयर मलेशिया इंडोनेशिया थाईलैंड म्यांमार ऑस्ट्रेलिया एंड इन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट ऑल्सो यू कैन सी तंजानिया, साउथ अफ्रीका देन मैडागास्कर सो इट इज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड सो इट इज़ ए वाइड स्कोप तो बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए काम करने के लिए ये आपका कल्चरल सेंटर्स ओवरसीज का एक लिस्ट है दिस इज द लिस्ट ओके दिस लिस्ट यू कैन सी यू कैन पॉज द वीडियो एंड वॉच द लिस्ट आई विल जस्ट गो इन ओवर व्यू अदरवाइज वीडियो विल बी गेटिंग लॉन्गर

इन विजिटर्स प्रोग्राम आई सी सी आर एडमिनिस्टर्स थ्री प्रोग्राम्स अंडर विच इट होस्ट विजिटर्स फ्राम अब्रॉड इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ टेन डेज एक्सक्लूडिंग द ट्रेवल टाइम अंडर इट्स मैंडेट ऑफ प्रोमोटिंग वॉट इंडियाज़ कल्चरल रिलेशंस विथ अदर कंट्रीज ओके तो यहाँ पर क्या होता है विजिटर्स प्रोग्राम होता है जो भी विजिटर्स आते हैं बाहर के देशों से उनको रखने का प्रावधान और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है जो भी कल्चरल प्रोग्राम्स और इवेंट्स होने वाले हैं तो उन सभी का जो भी देख रेख है सुपरविजन है वो आप लोगों को करना पड़ेगा इसके तहत तीन प्रोग्राम है थ्री प्रोग्राम्स आर देयर अंडर दिस सो आई होप द इंग्लिश सब्सक्राइबर्स वोंट फील एनी डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द वीडियो बिकॉज एवरीथिंग इज रिटन क्लियरली एंड जस्ट आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन बाई लिंगवल टू हिंदी सब्सक्राइबर्स ऑल्सो ओके हिंदी में जो पढ़ना चाहते हैं ये सभी चीज़ें तो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा आखिर में आप बने रहिए पूरा आप जान सकते हैं डिस्टिंग्विस्ड विजिटर्स प्रोग्राम ये क्या है अंडर दिस प्रोग्राम द काउंसिल फैसिलिटेट्स विजिट्स बाई नॉवल लॉरेट्स मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ब्यूरोक्रेट्स थिंक टैंक्स वेल नोन पर्सनैलिटीज़ इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स आर्ट एंड कल्चर टू इंडिया टू एक्सपीरियंस इंडियन कल्चर एंड इंटरेक्ट विद इंस्टीट्यूशन एंड ऑडियंसेस इन इंडिया सो यहाँ पर क्या होता है जो तो बड़ी बड़ी हस्तियाँ जैसे प्रधानमंत्री ब्यूरोट और एम पी एम एल ए ठीक है जो भी विभिन्न फील्ड से रिलेटेड हैं जैसे पॉलिटिक्स मतलब का राजनीति हो गया आर्ट एंड कल्चर हो गया जो भी एक्सपीरियंसड पर्सनैलिटीज़ हैं हस्तियाँ हैं वो सब आते हैं तो उनका जो भी प्रोग्राम होता है शेड्यूल होता है वो सब आपको मैनेज करना होता है इंडिया में ओके द प्रोग्राम ऑफ द विजिटर्स टिपिकली इंक्लूड्स वेराइटी ऑफ सेशंस यहाँ पे अब लेक्चर्स होता है राउंड टेबल एकेडमिक विजिटर्स प्रोग्राम अंडर दिस प्रोग्राम व्हाट हैपेंस द एमिनेंट एकेडमिशियंस जो भी अच्छे पढ़े लिखे व्यक्तित्व हैं जैसे कि वाइस चांसलर प्रोफेसर ये सब भारत को आते हैं भारत का जो भी इंडियन कल्चर है और डाइवर्सिटी है और लैंग्वेज है इन सभी का एक एक्सपीरियंस लेने के लिए एक अनुभव लेने के लिए वो लोग इंडिया में आते हैं तो उनका भी आपको स्वागत करना है उनका भी विजिटिंग का प्रोग्राम जो भी स्केड्यूल है वो आपको मेंटेन करके चलना है वो भी आपको मैनेज करना है दोस्तों ओके द प्रोग्राम ऑफ विजिटर्स टिपिकली इंक्लूड्स है वैराइटी ऑफ सेशंस यहाँ पे भी आपके लेक्चर मीटिंग वाइस चांसलर के साथ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ का और कॉलोन मीटिंग सीनियर ब्यूरोक्रेट्स एन ये सब होते हैं तो ये सब आपको देखना है दोस्तों ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये सभी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है दोस्तों हर पोस्ट में आपको कभी ना कभी ये सब कामों में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना होगा ओके

वेराइटी ऑफ सेशंस सच एज हिंदी वर्कशॉप होता है यहाँ पे मीटिंग विद इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशन ओके तो आई ने अभी तक क्या, क्या है पच्चीस हिंदी स्टूडेंट्स फ्रॉम चाइना इन अक्टूबर टू होस्ट किया ये एक डेटा है उनका नेक्स्ट डिपार्टमेंट इज आई स्कॉलरशिप तो यहाँ पे आई क्या करती है स्कॉलरशिप प्रदान करती है प्रोवाइड करती है जो भी बाहर के देश के आने वाले जो भी फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उन सभी को स्कॉलरशिप दिया जाता है जो भी प्रोफिशियंट रिसर्च फिलोसॉफी पॉलिटिक्स क्लासिक्स इंजीनियरिंग कंप्यूटर्स इन सभी चीज़ों में जो भी अपना रुचि रखते हैं एम फिल और ये सभी कोर्स में तो उनके ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष दे आर अवार्डेड स्कॉलरशिप तो ये आप डिटेल में पढ़ सकते हैं यू कैन गो इन डिटेल आई विल प्रोवाइड यू द सोर्स एट लास्ट ओके तो स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स आर मैनेज बाई एटीन रीजनल ऑफिसर्स एन्श्योरिंग वेलफेयर ऑफ द फॉरन स्प्रेड अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया तो जो भी अठारह रीजनल सेंटर्स से, हैं ये सभी के द्वारा आपको ये प्रोग्राम मैनेज करना होता है स्कॉलरशिप का ओके देन आउट गोइंग कल्चरल डेलीगेशन ये देखिए मतलब प्राइमरी मैंडेट ऑफ द काउंसिल इज टू क्रिएट इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग थ्रू कल्चर टू मीट दिस ऑब्जेक्टिव द काउंसिल शो केसेस क्वालिटी परफॉर्मिंग आर्टिस्ट ग्रुप्स इन कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड सो दैट द पीपल गेट टू सी एंड अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी एंड द वाइब्रेंसी ऑफ इंडियाज परफॉर्मिंग आर्ट फॉर्म्स लाइक क्लासिकल फोक थिएटर मॉडर्न डांस एंड म्यूजिक आर्ट तो जो भी भारत से बाहर जाते हैं और भारत में जो भी भारत के सांस्कृतिक जो भी कल्चर आर्ट है इन सभी को वहाँ पे जाकर प्रदर्शित करते हैं परफॉर्म करते हैं तो हुए एवर गोज़ फ्रॉम इंडिया टू ओवरसीज टू अब्रॉड एंड परफॉर्म ऑल द आर्ट फॉर्म्स ऑफ इंडिया लाइक क्लासिकल फोक थिएटर मॉडर्न डांस एंड म्यूजिक सो फॉर देयर वेलबींग एंड वेलफेयर यू नीड टू मैनेज देयर टोटल प्रोग्राम आप उनका जो भी प्रोग्राम है पूरा आपको मैनेज करना होता है इसमें ये करना होता है आपको ठीक है जैसे कि कल्चरल वीक्स होता है फेस्टिवल्स होता है डेडिकेटेड टू स्पेसिफिक कंट्री और रीजन ये सब आपको कवर करने हैं ओके नेक्स्ट इज कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार ये तो पता है जो भी कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार होते हैं उन सभी को आपको प्रमोट करना होता है उन सभी का आपको स्मूथ कंडक्ट करना होता है इंडिया में हो या बाहर हो तो ये जो कॉन्फ्रेंस और सेमिनार है ये आपका ऐसे टॉपिक पर हो सकते हैं जैसे कि इंडोलॉजी बुद्धिज्म सूफीज्म टैगोर और अदर सब्जेक्ट्स के जैसे कि इंडियन कल्चर फिलोसॉफी और सोसाइटी में ओके okay? सोसाइटी से रिलेटेड इन सभी चीज़ों से आपको हुबहू होना पड़ेगा और आपको एक एक्सपीरियंस अगर है इन सभी चीज़ों में तो आपका वहाँ पर प्रेफ्रेंस मिलेगा डी के टाइम पर ओके तो ये सब बताया गया है देन इनकमिंग कल्चरल डेलीगेशन जैसे भारत से बाहर जाते हैं भारत के लोग वैसे ही बाहर के लोग अंदर भी आते हैं मतलब भारत में आते हैं तो उनका भी जो भी कार्यक्रम होता है शेड्यूल होता है प्रोग्राम होता है उन सभी को आपको अच्छे से मैनेज करना है एडमिनिस्टर करना है इसमें यही बताया गया है ओके इनकमिंग ट्रूप्स सो द इंग्लिश सब्सक्राइबर्स यू कैन टेक ए स्क्रीन शॉट एंड रीड दिस ओके इन डिटेल इफ़ यू वॉन्ट एवरीथिंग विल बी क्लियर देन नेक्स्ट इज़ इंटरनेशनल योगा डे सो योगा डे में पतंजलि जैसे ब्रह्मकुमारी गायत्री परिवार अयंगर योगा शिवानंद मोक्ष यतम आर्ट ऑफ लिविंग ओके ये सब चीज़ों को प्रमोट करना इनको बढ़ावा देना तो योगा का महत्व तो आप जानते हैं आयुर्वेद का महत्व तो आप जानते हैं भारत में ही नहीं पूरे दुनिया में आयुर्वेद और योग का बहुत प्रचार होने लगा है आजकल कोविड को कंट्रोल करने में कभी कभी आपको पता होगा कि एलोपैथिक उपचार भी सफल नहीं हो सकता है मतलब एलोपैथिक ट्रीटमेंट इज ऑल्सो नॉट अप टू द मार्क देअर ऑल्सो आवर आयुर्वेदिक एंड योगा आर इमेंसली कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द वेलबींग ऑफ ह्यूमैनिटी ओके सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल दैट आई सी सी आर प्लेस इन प्रोमोटिंग योगा एंड आयुर्वेदा एंड ऑल ओके देन गिफ्ट ऑफ बस्ट्स एंड स्टैचूज जो भी मूर्तियाँ हैं और स्टैचूज हैं उनका जो एस्टेब्लिशमेंट होता है इंस्टॉलमेंट होता है जहाँ पर भी वो बनाई जाती हैं तो उन सभी के काम में जो भी काम करना होता है देख रेख और सुपरविजन वगैरह वो सब आपको करना पड़ेगा ओके देन आई सी सी आर अवार्ड सो आई सी सी आर has instituted सेवरल अवार्ड्स लाइक which आर conferred अपन foreign नेशनल्स फॉर for their contributions इन डिफरेंट फील्ड्स जो भी foreign नेशनल्स हैं बाहर के लोग हैं उनके लिए विभिन्न चीज़ों पर अगर वो कंट्रीब्यूट करते हैं अच्छा काम करते हैं तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है इंडिया के कल्चर को अगर वो प्रोमोट करते हैं इफ़ दे प्रोमोट इंडियाज़ कल्चर कल्चरल रिलेशन देन दे आर अवार्डेड ओके सो ये आपका हो सकता है डिस्टिंग्विस्ड इंडोलॉजिस्ट अवार्ड वर्ल्ड संस्कृत अवार्ड डिस्टिंग्विस्ट अल्मिनी अवार्ड एंड जीसेला बॉर्न अवार्ड प्लैक सो ये आपको एक नॉलेज होना चाहिए यू जस्ट नीड टू हैव एन ओवरव्यू ऑफ दिस इफ इफ दे दे आस्क अबाउट द अवार्ड्स, एटलीस्ट यू कैन टेल देम दिस वन ओके दिस आर अपडेटेड एंड दिस आर टेकन फ्रॉम द आईसीसीआर वेबसाइट इट ओके देन यू कैन सी ये आप देख सकते हैं जैसे कि मौलाना आजाद सेंटर फॉर इंडियन कल्चर इजिप्ट में स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर सुवा फिजी ओके दीज आर ऑल द प्रोग्राम्स नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडियन कल्चरल सेंटर कोलामपुर मलेशिया दीज आर द इवेंट्स विच आर बींग ऑर्गेनाइज जो मैंने आपसे ऊपर बात किया तो ये सभी इवेंट्स ऐसे होते हैं और आपको यहाँ पे सुपरवाइज करना होता है नेहरू सेंटर लंडन यू के सो लाइक दिस यू हैव टू मैनेज एंड डू सी हेयर यू कैन सी द लाल बहादुर शास्त्री सेंटर फॉर इंडियन कल्चर तास्किन उज्बेकिस्तान हेयर द योगा इज़ बीग प्रोमोटेड ओके so these are the iccr regional offices you can see here okay 18 regional offices and these are the states which have signed an mou with iccr you can see 17 states and uts have signed okay and then the these are the list of iccr programs that i have discussed already in the beginning like outgoing cultural delegations incoming cultural delegations exhibitions held outside india exhibitions held inside india then busts and statues then scholarship and वेलफेयर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आईसीसी चेयर्स कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार्स दिन विजिटर्स लाइक डिस्टिंग एकेडमी एंड अंदर दैट आई है अवार्ड्स आई सी आर एनुअल एक्टिविटीज द डिफरेंट ओकेजनस लाइक वन फिफ्टी एथ बर्थ एनिवसरी ऑफ महात्मा गांधी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव जी दीज आर द रिसेंट करेंट इवेंट ये करंट आपके हुए हैं तो आपको इस पर एक नजर डाल लेना है क्या क्या हुए हैं अगर कुछ भी आपको पूछ लिया जाता है तो आपको आप बता सकते हैं देखिए दोस्तों इंटरव्यू रखा नहीं गया है लेकिन मेरे तरफ से मैं बोलता हैं डीवी के लिए तो आपको पूरा अच्छे तरीके से इसको ओवर

नेक्स्ट इज द बस्ट एंड स्टैचूज आई एव ऑलरेडी एक्सप्लेन सो हियर यू कैन सी ये आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू है इस तरीके से स्टैचू देख रहे हैं आप ये महात्मा गांधी जी का है तो ये इनाग्रेट हो रहा है तो स्टैचूज में आपको काम करना पड़ेगा उसमें जो भी काम होता है वो सब में आपको अटेंड करके सब निभाना पड़ेगा ओके देन इंटरनेशनल कल्चरल फेस्टिवल्स ये कल्चरल फेस्टिवल्स होते हैं इंटरनेशनली अच्छे से मतलब सभी चीज़ हो रहा है या नहीं ये बस आपको एक सुपरविजन के तरीके से करना है जैसे कि जो भी होना चाहिए शेड्यूल किया गया है वो डिपार्टमेंट के तरफ से वो आपको बस वहाँ पर मैंटेन करना है कहीं पे कुछ ऊंच नीच या गड़बड़ ना हो जाए बस यही चीज आपको देखना है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन दीज आर द इवेंट्स एंड ऑल दैट हैव बीन कंडक्टेड रिसेंटली ओके दीज आर द अपडेटेड वंस देन एकेडमिक एंड इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज फॉर प्रोग्राम्स यू कैन सी हियर देन फेलोशिप प्रोग्राम इज ऑलो देर वेर आई सी जूनियर एंड सीनियर रिसर्च फेलोशिप्स टू द इंटरनेशनल स्कॉलर स्पेशलाइजिंग इन इंडियन स्टडीज इन द फील्ड्स ऑफ कल्चर एंड सोशल साइंसेज ओके एन कॉन्फ्रेंसिज एन सेमिनार आई एव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू देन इज यजिटर्स डिस्टिंग एकेडमिक अदर या मैंने आपको बता दिया था यह आप देख सकते हैं ऐसे विजिटिंग आते हैं बाहर से आते हैं और इन लोगों का जो भी स्वागत है जो भी प्रोग्राम है वो करवाना पड़ता है एकेडेमिक विजिटर्स जो भी एकेडमिशियंस हैं वो भी आते हैं जैसे आप देख सकते हैं प्रोफेसर विल्म डी विलियर्स रिएक्टर एंड वाइस चांसलर स्टेलन बॉच्स यूनिवर्सिटी साउथ अफ्रीका से आए हैं ओके ये अप्रैल अट्ठाईस से लेकर मई पाँच तक आए थे मई पाँच दो हज़ार उन्नीस तक तो ये लगभग दो और पाँच सात दिन के करीब एक सप्ताह रुके थे तो इनका जो भी है जो भी इनका कार्यक्रम था वो अच्छे से हो जाना चाहिए ये सब आपको देखना है आई सी के तरफ से ओके देन विजिटर्स प्रोग्राम आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू डिस्टिंग प्रोग्राम लाइक अफगानिस्तान स्पेन जिम्बावे देख सकते हैं आप कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं तो इस तरीके का प्रोग्राम रहता है सो जस्ट आई विल टेक यू टू द सोर्स फ्रॉम वेयर यू नीड टू गो थ्रू एटलीस्ट वंस सो सी फ्रेंड्स दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आई सी सी आर तो मैं आपको बताता हूँ कहाँ से मैंने ये सब चीज़ें आपके लिए निकाला है तो एक्चुअली आई हैव गॉन थ्रू द एंटायर वेबसाइट आई हैव एक्सप्लोर द एंटायर वेबसाइट थ्री टू फोर टाइम्स टू हेल्प यू इन ऑर्डर टू मेक यू एक्वेंट विद द आई सी सी आर फंक्शनिंग एंड ऑल ओके तो आई सी सी आर के बारे में बताने के लिए मैंने ये दो तीन बार आपके लिए वेबसाइट को पूरा पढ़ डाला है तो इसी से ही मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों देखिए आपको क्या करना है यू कैन मेक इट व्यू इट इन मोबाइल व्यू और यू कैन क्लिक यर एंड यू कैन मेक इट डेस्कटॉप वर्जन ऑल्सो यहाँ पे आप डेस्कटॉप साइट करके भी देख सकते हैं ओके okay, कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पे देख सकते हैं द फर्स्ट लाइन यू कैन सी हियर ओनली यू कैन रीड अबाउट आई सी ओके फ्रॉम हियर आई हैव टेकन द सोर्स आई हैव फाउंड आउट देन यू कैन सी द फाउंडर प्रेसिडेंट एंड ऑल दीज थिंग्स यू शुड नो ये आपको एक आइडिया होना चाहिए जनरल आइडिया ओके आफ्टर दैट हीयर यू कैन सी आई सी एक्टिविटीज ये आपको दिख रहा है आई सी एक्टिविटीज फ्रॉम हियर यू कैन सी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ट्वेल्व फिफ्टीन एंड सिक्सटीन तो सिक्सटीन टैब्स आर देयर सो ईच टैब यू शुड विजिट एट लीस्ट ट्वाइस तो एक एक बार जाके आपको हर एक टैब को देखना है और देखकर उसके अंदर जो चीजें हैं वो आपको पढ़ लेना है जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू गो टू आई सी सी आर स्कॉलरशिप ओके सो इफ यू गो टू हियर देन यू कैन सी द सम डिस्क्रिप्शन आर देर तो ये आपको पढ़ लेना है अच्छे से दिस यूनिट टू गो थ्रू देन यू कैन सी हिर द आईसीसीआर स्कोलर मैनुअल स्कॉलरशिप मैनुअल हियर इफ यू क्लिक सी हिर द करेंट इवेंट दिसरी वेरी इंपॉर्टेंट जो करेंट इवेंट है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर जाइए क्लिक कीजिए

सी हीयर ई बुक्स यू कैन सी हेयर ई बुक्स ये ई e बुक्स में जाइए ई बुक्स में जाने के बाद आपको मिल जाएगा ये देखिए आरचीव इ e बुक मिल रहा है आपको नीचे दिख रहा है ये दिस यू कैन सी आरचिव बुक क्लिक हिस्टर आरचीव इ बुक पर क्लिक करने के बाद देखिए आपका जो थर्ड नंबर पर आप देख रहे हैं ई बुक एनअल रिपोर्ट ऑफ ट्वेंटी नाइनटीन ट्वेंटी दिस यूनिट टू गो थ्रू ओके ऑल्सो यू कैन गो थ्रू ऑल दिस बट आई विल सजेस्ट यू टू गो थ्रू द ई बुक रिपोर्ट ऑफ टू थाउजेंड नाइनटीन ट्वेंटी क्लिक हियर इन डिटेल्स दैन दिस ई बुक विल ओपन ये आपका ओपन हो जाएगा आईसीसीआर एनुअल रिपोर्ट टू थाउजेंड नाइनटीन ट्वेंटी सो दिस ई बुक यू नीड टू लर्न ओके यू नीड टू लर्न दिस ई बुक आई विल प्रोवाइड यू द डाउनलोड लिंक ऑफ दिस ई बुक ओके दिस इज द ई बुक सी हि एवरीथिंग इज देयर मैं इन दिस ई बुक सो यू कंप्लीटली गो थ्रू इट वन फोर्टी सिक्स पेजेस बस ओवरव्यू करना है आपको ठीक है ये पूरा मैंने पढ़ा है वन फोर्टी सिक्स पेज आपको पढ़ के मैं बता रहा हूँ दोस्तों ये सारी चीजें आई हैव गॉन थ्रू दिस ई बुक एटलीस्ट ट देन आई एबल टू स्पीक अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन ओके सो ये आपको पढ़ना है अच्छे से देन गो टू होम टैब अगेन देन यू कैन सी हियर डिफरेंट टैब्स लाइक वाट आई हैव टोल्ड यू लाइक इवेंट्स एंड एग्जीबिशंस प्रमोशन ऑफ हिंदी इनकमिंग कल्चरल डेलीगेशनस देन कॉन्फ्रेंसिस एंड सेमिनार आउट गोइंग कल्चरल डेलीगेशन ओके एमपैनलमेंट फॉरन विजिटर्स प्रोग्राम इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशन ऑल दीज थिंग्स सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये जो भी आप देख रहे हैं ना ये सभी में से कोई ना कोई आपका काम आएगा अगर आप ज्वाइन करते हैं आई में सो इन द नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स आई विल बी मेकिंग ए वीडियो सेपरेट वीडियो ऑन ईच पोस्ट लाइक फर्स्ट आई विल फोकस ऑन प्रोग्राम ऑफिसर एंड असिस्टेंट प्रोग्राम ऑफिसर देन असिस्टेंट देन एल डी सी देन स्टेनोग्राफर सो so, ऐसे में आपको बनाऊंगा तो वहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो फंक्शनैलिटीज़ मैंने बताया है इनमें से ही वहाँ पे कहीं कही ना कहीं कुछ ना कुछ यूज़ आएगा तो एक बार बस ये ओवरव्यू आप ले लीजिए सभी पोस्ट के लिए तो आपको बहुत इजी होगा उसके बाद समझने के लिए जॉब प्रोफाइल यू विल बी अंडरस्टैंडिंग इट इन अ बेटर मैनर ओके इफ़ यू टेक द ओवर दिस सो फ्रेंड्स इफ़ यू लाइक आवर एफर्ट्स देन काइंडली गिवे थम्स अप बाई हिटिंग द लाइक बटन एंड शो यूर सपोर्ट बाय शेयरिंग दिस वीडियो इन ऑल योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम Telegram subscribe to the channel if you are new to it. Also press the all notification button so that you will never miss any important update. So friends this is a target which I am keeping in this video that is 500 likes at least 500 likes and 5k views. Okay so just I am keeping this this is a motivation for me. You मेरे को एक motivation मिलेगा बस अगर आप ऐसे support करते रहेंगे तो मैं और भी अच्छे से अच्छा video बनाने का कोशिश करूँगा दोस्तों और I C C R के लिए मैं बता दूँ I C C R को मैं call कर रहा हूँ हर दिन call कर रहा हूँ जब भी मेरा call मैं आपसे तुरंत शेयर करूंगा एक वीडियो में पूरा ऑडियो रिकॉर्डिंग आपको सुनाऊंगा दोस्तों कि कब तक क्या होने वाला है नेक्स्ट डीबी प्रोसेस कब होगा क्या होगा और इतने सारे बच्चों को जो उन्होंने लिया है उसका क्या करेंगे और आर का रिप्लाई अभी तक नहीं आया तो आरटीआई का रिप्लाई जब आएगा देन आई विल स्पीक टू यू अबाउट द आर रिप्लाई ऑल्सो आई एम मेकिंग देम फोन कॉल्स रेगुलरली ओके सो फ्रेंड्स स्टे सेफ स्टे मोटिवेटेड ओके एंड बी पॉजिटिव ऑलवेज ओके वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो टिल दैट टाइम जय हिंद जय भारत